हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। गाइज, फाइनली फिर से हम आ चुके हैं मुंबई के लोखंडवाला इलाके में, और आज की इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को दिखाने वाले हैं साउथ फिल्म इंडस्ट्री के और बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के महान कलाकार अभिनेता मुरली शर्मा जी का घर। दोस्तों, मुरली शर्मा जी को लोग नाम से तो उतना नहीं जानते होंगे जितना उनकी फिल्मों से और उनके चेहरे से उनको पहचानते हैं। आप लोग साउथ फिल्म इंडस्ट्री के डीजे मूवी को देखा ही होगा, और यहाँ तक कि कर्मयोद्धा देखा ही होगा। डीजे में जो अल्लू अर्जुन जी रहते हैं और उसमें मुरली शर्मा जी पुलिस इंस्पेक्टर का रोल अदा करते हैं, उन्हीं का घर आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं। और शाहरुख खान की एक मूवी है मैं हूँ ना, जो 2004 में आई थी, उसमें भी मुरली शर्मा जी ने अभिनय किया है और कई सारी फिल्मों में वो अभिनय कर चुके हैं और अभी भी करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को मुरली शर्मा जी का घर दिखाने वाले हैं कि उनका घर मुंबई में कहाँ पर है, कैसा है, उनके घर की प्राइस कितनी है, उनके घर परिवार में कौन कौन से लोग हैं और वो अभी कहाँ पर रहते हैं। क्योंकि दोस्तों, हम लोग फिल्मों में उनको अक्सर देखते हैं, लेकिन उनके रियल लाइफ के बारे में हमें कहीं ना कहीं जानने की इच्छा होती है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको उन्हीं के घर का पूरा टूर कराने वाले हैं, और साथ में उनके बायोग्राफी के बारे में, उनके परिवार के बारे में, उनके नेटवर्क के बारे में, उनके कार कलेक्शन के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। और साथ में आपको ये भी दिखाएंगे कि उनका रियल हाउस जो है वो मुंबई में कहाँ पर है, उनका घर कैसा है। तो आप लोग इस वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए दोस्तों, पूरे यूट्यूब पर ना अभी तक किसी ने भी मुरली शर्मा जी के घर का टूर नहीं कराया है, ना उनके घर को दिखाया है। मैं अपने चैनल पर आप लोगों को मुरली शर्मा जी का घर दिखाने वाला हूँ। गाइस, फिलहाल वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। फिलहाल बारिश स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन हमारा काम है भाई साहब घूम के लोगों के घरों का टूर करना और आपको दिखाना। तो चलिए हम अपने काम पे लग जाते हैं। दोस्तों, फाइनली अभी हम मुरली शर्मा जी के घर के ठीक सामने पहुँच चुके हैं, और ये 14 मंजिला इमारत है जिसमें हमारे मुरली शर्मा जी अपने पूरे परिवार के साथ मुंबई के लोखंडवाला के इसी बिल्डिंग में रहते हैं। कौन से फ्लोर पे रहते हैं अभी हम आपको आगे ये बताएंगे, और इस बिल्डिंग का क्या नाम है अभी मैं आपको आगे ये सब कुछ भी दिखाऊंगा, और उनका मेन एंट्री गेट भी दिखाऊंगा। पहले आप लोग दूर से ही इस बिल्डिंग का नज़ारा देख सकते हैं, कितना लग्जरियस बिल्डिंग है। और ये इस बिल्डिंग का दूसरा गेट है, और जो पहला मेन एंट्री गेट है वो इस साइड है। अभी मैं आपको ना मेन एंट्री गेट पर भी ले चलूँगा। फिलहाल आसपास का माहौल आप लोग देख सकते हैं कितना खूबसूरत है, और कितनी ज़्यादा रोडों पर ग्रीनरी भी है, और यहाँ पर साफ़ सफाई काफ़ी ज़्यादा है। तो भाई साहब, जिन्हें हम टीवी में देखते हैं, बड़े बड़े फिल्मों में देखते हैं, मूवियों में देखा करते हैं, उनका रियल हाउस इसी बिल्डिंग के 8वें मंजिल पर है। जी हाँ, ये मेन गेट पर चलते हैं। तो ये इनके घर का मेन गेट है, और इस बिल्डिंग का नाम है केदारनाथ टावर। और इसी केदारनाथ टावर के 8वें मंजिल पर हमारे फिल्म स्टार मुरली शर्मा जी अपने परिवार के साथ रहते हैं, और इनका मेन गेट खुला हुआ भी है, अंदर गाड़ियां भी खड़ी हैं। इसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, उनका सिर्फ जो 8वां मंजिल है ना वही है, पूरी बिल्डिंग नहीं है, सिर्फ 8वां मंजिल ही है जहां पर वो अपने परिवार के साथ रहते हैं। दोस्तों, अभी तक पूरे यूट्यूब पर ना आपको इनके घर का वीडियो, इनके घर का एड्रेस किसी ने नहीं बताया होगा। आपको बता दें, जहाँ रामायण के राम अरुण गोविल जी रहते हैं अमरनाथ टावर में, जस्ट ये बिल्डिंग उसके अपोजिट है, और इसका नाम है केदारनाथ टावर, जिस बिल्डिंग में मुरली शर्मा जी रहते हैं। आइए चलिए थोड़ा सा इनकी बायोग्राफी के बारे में भी जानते हैं कि आखिर इनके परिवार में कौन कौन है, इनके बेटे का क्या नाम है, इनकी पत्नी का क्या नाम है, इनके माता पिता कौन है, इनका नेटवर्क क्या है, सब कुछ अच्छे से आपको हम बताते हैं। दोस्तों, एक बार और थोड़ा सा मैं जूम करके आपको दिखा दूँ, ये जो 8वीं मंजिल दिख रही है आपको, जहाँ पर पर्दे लगे हुए हैं, और हर एक बालकनी में आपको ग्रीनरी दिखाई दे रही होगी, और पूरा ग्लास यानी कांच लगाया गया है, इससे इस बिल्डिंग की खूबसूरती ना काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी लग्जरियस बिल्डिंग है और काफ़ी सुंदर लगता है इस बिल्डिंग को देखने में। तो चलिए थोड़ा सा मुरली शर्मा जी के बारे में अच्छे से आपको हम जानकारी देते हैं, इस वीडियो में सब कुछ बताते हैं। दोस्तों, मुरली शर्मा जी एक भारतीय फिल्म और टेलीविज़न अभिनेता है, जो मुख्य रूप से हिंदी, तेलुगु, मराठी और यहाँ तक कि साउथ फिल्मों में भी काम करते हैं। मुरली शर्मा जी का जन्म ना 9 अगस्त 1972 को गुंटूर के आंध्र प्रदेश में हुआ था, लेकिन इनका पालन पोषण मुंबई में ही हुआ है। इनकी राशि पूछा जाए तो इनकी राशि सिंह है। स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद ना इन्होंने रोशन तनेजा स्कूल ऑफ एक्टिंग मुंबई से अभिनय में डिप्लोमा भी किया है।
इतना ही नहीं, आपको हम बता दें कि मुरली शर्मा जी आधे मराठी हैं और आधे तेलुगु हैं। कैसे? इनके जो पिताजी हैं वो मराठी थे और इनकी जो माताजी हैं वो तेलुगु से बिलोंग करती थी। दोस्तों, मुरली शर्मा जी के पिता का नाम ब्रिजभूषण शर्मा था, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। 2019 में ही बीमारियों के कारण उनका निधन हो चुका है। और इनकी माँ का नाम पद्मा शर्मा है, जिनका हार्ट अटैक की वजह से 2020 में निधन हो गया है। और इनके ना दो भाई भी हैं। अब इस घर में ये अपने बच्चों के साथ और अपनी बीवी के साथ रहते हैं। इसी घर में इनके माता पिता का निधन हुआ था। आइए चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं और आपको नज़दीक से चल के, सामने से चल के इनके बिल्डिंग का पूरा नज़ारा दिखाते हैं और गेट वगैरह सब कुछ दिखाएंगे। और देखिए, मैं इनके दूसरे गेट के सामने पहुंच चुका हूं। ये है इनके बिल्डिंग का दूसरा गेट, यानी कह लीजिए एक तरफ से तो आउट वाला गेट है। इस रास्ते से लोग बाहर निकलते हैं। और देखिए, बीच में वहां पर केदारनाथ टावर भी लिखा है। ये देखिए, अमरनाथ टावर आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ के मैं यहाँ से जूम करता हूँ। देखिए, केदारनाथ टावर लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है। अभी चलिए बीच में चलते हैं और वहाँ से अच्छे से दिखाएंगे। भाई साहब, नीचे काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी लगाई गई है, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। देखिए, यहाँ से दिख रहा है केदारनाथ टावर, वहाँ पर बीच में लिखा हुआ भी है। कितना खूबसूरत इनका ये बिल्डिंग है जिसमें ये रहते हैं। और देखिए, ये है इनके घर का मेन गेट, यहाँ पर भी केदारनाथ टावर लिखा हुआ है। और अंदर कुछ गाड़ियाँ खड़ी हुई आपको दिखाई दे रही होंगी। और ये 14 मंजिला इमारत काफ़ी आलीशान इमारत है, जो कि मुंबई के लोखंडवाला इलाके में, यानी वर्सोवा इलाके में स्थित है, अरुण गोविल जी के ठीक घर के सामने, जो आपको मैं इस वीडियो में दिखा रहा हूँ। गाइज, आपको बता देना, 2005 की हिंदी फिल्म अपहरण की शूटिंग के दौरान इनकी मुलाकात ना भारतीय अभिनेत्री अश्विनी कालसेकर से हुई थी, जिनका उस समय अपने पहले पति नितेश पांडे से ना तलाक हो चुका था। फिल्मों की शूटिंग के दौरान मुरली शर्मा और अश्विनी दोस्त बने और जल्द ही एक दूसरे से प्यार करने लगे। और यह जोड़ा 22 मार्च 2009 को ना शादी के बंधन में बंध गया। लेकिन दोस्तों, इनके अभी तक कोई बच्चे नहीं हैं और आगे चल के ये बच्चों को गोद लेने वाले हैं। इनका जन्म ना एक हिंदू ब्राह्मण परिवार में हुआ था। अभिनय में अपना प्रशिक्षण पूरा करने के बाद इन्होंने विभिन्न टीवी धारावाहिकों और फिल्मों के लिए ऑडिशन देना शुरू किया। और 1997 में इन्होंने टीवी धारावाहिक घरजमाई में डॉक्टर सलीम की छोटी भूमिका निभाई थी। इसके बाद इन्होंने साया, रिश्ते, लागी तुझसे लगन और पलटन मेरी शान जैसे अधिकांश हिंदी टीवी धारावाहिकों में अभिनय भी किया है। 2002 में उन्होंने हिंदी फिल्म दिल विल प्यार वार से बतौर एक्टर डेब्यू किया। वह हिंदी फिल्म मकबूल से सुर्खियों में आए, जिसमें उन्होंने देवसरे की भूमिका निभाई थी। लोकप्रिय हिंदी फिल्म मैं हूं ना 2004 में शान के रूप में उनकी भूमिका को दर्शकों और आलोचकों द्वारा खूब सराहा भी गया। इसके बाद कुछ अन्य हिंदी फिल्में जैसे मस्ती, मंगल पांडे, अपहरण, धमाल, इन सारी फिल्मों में इन्होंने अभिनय किया। 2007 में इन्होंने फिल्म अतिथि और फिर अपना तेलुगु में डेब्यू किया, जिसके बाद कैसर अजय शास्त्री की भूमिका निभाई। इन्होंने कृष्णम बंदे, जागृतम, एवड्डू, द्वारका, अवे और यहाँ तक कि डीजे और साहू जैसी फिल्मों में भी काम किया है। इसके अलावा इन्होंने सिंघम 2 में अजय देवगन के साथ भी नज़र आए थे। दोस्तों, अगर इनके टोटल नेटवर्थ की बात करें तो इनका टोटल नेटवर्थ 98 करोड़ रुपए है। और ये एक मूवी करने के लिए ना 2 से 4 करोड़ रुपए चार्ज भी करते हैं। और इनके पास भी मर्सिडीज बेंज और यहाँ तक कि BMW 7 सीरीज और फार्चुनर जैसी लग्जरी गाड़ियाँ भी शामिल हैं। और आप लोग ये जो 8वां मंजिल वाला फ्लैट देख रहे हैं ना, इसी में वो अपनी पत्नी के साथ रहते हैं, जो कि मुंबई के लोखंडवाला इलाके में स्थित है। और इस बिल्डिंग का नाम है केदारनाथ टावर। तो गाइज, आज की इस वीडियो में मैंने आपको मुरली शर्मा जी के घर का पूरा टूर कराया है और साथ में उनके घर का एड्रेस भी बताया है, उनके घर का नज़ारा भी दिखाया है, उनके बायोग्राफी के बारे में भी सब कुछ बताया है। उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो जल्द ही मिलते हैं नई वीडियो में नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।